गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू आर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस गिवन बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल, फोर स्टैंडर्ड थर्ड। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर वन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। टुडे ऑल्सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स and man-made and natural things. So let's start. Come to the next page, page number 6. Living things grow, सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं. Living things grow with the passage of time. With the passage of time means समय के साथ साथ. सजीव वस्तुएं समय के साथ साथ बढ़ती हैं. A little kitten grows into a cat. Kitten means बिल्ली का बच्चा. एक लिटिल किटन एक कैट में ग्रो होता है। अ बेबी ग्रोज इंटू अ चाइल्ड, एक बेबी एक चाइल्ड में ग्रो होता है। विच ग्रोज इंटू अ मैन, जो एक मैन में ग्रो हो जाता है। बेबी एक पहले एक चाइल्ड में या बॉय में ग्रो होता है, फिर वो बड़े होकर एक मैन में ग्रो हो जाता है। द सीड ग्रोज इंटू अ स्मॉल प्लांट, एक सीड एक स्मॉल प्लांट में एक छोटे पौधे में ग्रो होता है। द स्मॉल प्लांट ग्रोज इंटू अ बिग ट्री, और एक स्मॉल प्लांट एक बिग ट्री में एक बड़े वृक्ष में ग्रो होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, निर्जीव वस्तुएं बढ़ती नहीं हैं। दे रिमेन एज दे आर अनलेस मोर इज एडिड टू देम। रिमेन मीन्स रहना, वे तब तक ऐसे ही बनी रहती है जब तक उसमें कुछ जोड़ा ना जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, सजीव वस्तुओं को भोजन और पानी की आवश्यकता। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, लिव मीन्स जीवित रहना। सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ह्यूमन बीइंग्स मीन्स मनुष्य। मनुष्य अपने भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, एयर एंड सनलाइट। पौधे अपना भोजन पानी, हवा और सूरज की रोशनी से बनाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जानवर अपना भोजन पौधों और दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सजीव वस्तुएं सांसें लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुएं सांसें लेती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर लंग्स। मनुष्य और ज़्यादातर जानवर अपने लंग्स अपने फेफड़ों के द्वारा सांसें लेते हैं। फिश हैव गिल्स, फिश में गिल्स होते हैं जिनके द्वारा वो सांसें लेते हैं। एंड इंसेक्ट्स हैव एयर होल्स टू ब्रीथ, और इंसेक्ट्स में कीड़े मकोड़ों में एयर होल्स होते हैं जिनके द्वारा वो सांस लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू टिनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधे हवा अपने अंदर पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं उनके द्वारा लेते हैं। मीन्स पौधे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा पौधे हवा अपने अंदर लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, निर्जीव वस्तुएं सांसें नहीं लेती। फेस द फैक्ट, फ्रॉग लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। मेंढक पानी में रहने के साथ साथ ज़मीन पर रहता है, ज़मीन पर भी रहता है। इन वाटर इट ब्रीथ्स थ्रू स्किन, पानी में ये अपनी स्किन अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ऑन लैंड इट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स, ज़मीन पर यह अपने लंग्स अपने फेफड़ों के द्वारा सांसें लेता है। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन यू स्टे सेफ, स्टे होम।